सास बहू और बेटियों में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हम आ गए हैं भजन लाल सेट में, जो कि नायगांव पर है। जैसे आप देख रहे हैं, सुबह सुबह पहुंचे हैं और हमारे साथ है कैलाश तोपनानी। अब आप बोलेंगे कैलाश को देखा तो है, लेकिन आपने इन्हें अक्सर प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ देखा है। ये हीरो शो में एक अमेजिंग किरदार निभा रहे हैं। सो कैलाश, सबसे पहले तो सुप्रभात। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली भजन लाल में और बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में क्या माहौल है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत चिल्ड हो रहा है। ठंडी हो रही है, मतलब मुंबई में यूजुअली ठंड होती नहीं है, लेकिन सुबह सुबह का जो मौसम है और ओह इट इज़ ठंडी। सो आज के दिन हम कैलाश के साथ बताने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे वो अपने किरदार में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपके शो का नाम बताइए। हीरो का है मोड ऑन, ओनली ऑन सब टीवी, मंडे टू फ्राइडे। पूरा बता दिया इन्होंने। साथ ही में आपका जो किरदार है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं विचल का किरदार निभा रहा हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत ही चैलेंजिंग है। इसके बाद जो जर्नी शुरू होगी 3 घंटे मेकअप की, वो एक इंटरेस्टिंग जर्नी होती है कि यहाँ पे स्टूडियो के अंदर आने के बाद हम उसी थॉट में जाते हैं कि उसके बाद 3 घंटे हमें मेकओवर के लिए बैठना है। पूरा सिलिकॉन मेकअप होना है हमारे बॉडी पर, इसके बाद हमें कोई नहीं पहचान सकता। अभी जिसने देख लिया, उसके बाद मेकअप के बाद हमें कोई वापस निकालने के बाद जो देखेगा हमें वो नहीं पहचान पाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज अक्सर ऐसा बहुत रेयरली होता है टेलीविजन में कि कोई नकाबपोश काइंड ऑफ अ किरदार हो और उसे इतनी शिद्दत के साथ निभाया जाए और उसके लिए इतना सारा मेकअप किया जाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि जो आपको नकाब के पीछे ऐसे खूंखार टाइप के नज़र आते हैं ऑन स्क्रीन इन द शो हीरो, क्यों ना उनकी पूरी स्टोरी, उनकी पूरी जर्नी दिखाई जाए कि कैसे होता है वो मेकअप। इट्स नॉट ईजी टू डू, एंड एज ही सेड 3 घंटा। तो ठीक है, हम भी रेडी हैं, सो चले हम सीधे मेकअप रूम में। 3 घंटे बिल्कुल। सो लेट्स गो डायरेक्टली टू द सेट। 3 घंटे मेकअप होगा और बहुत ही मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंग है काफी मेकओवर, आप पहली बार देखेंगे ऐसा इंटरेस्टिंग टेलीविजन में जो मेकअप होता है। ओह वाओ, मतलब मैं तो सुन के काफी एक्साइटेड हूँ। एंड साथ ही में जैसा आपने कहा कि 3 घंटे का मेकअप है, तो इट इज़ नॉट ईजी, लाइक एक साथ बैठ के इतना पेशेंस कैलाश कैसे लेकर आते हो एक्चुअली। और हम उस मतलब अगर सुबह सुबह हम सोचें कि हम मेकअप कराने के टाइम पर हम बैठ जाएं और झपकी ले लें, नहीं ले सकते वो हम, क्योंकि गम लग रहा होता है, ड्रायर शुरू होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो हम उसमें बैठ के सो नहीं सकते। सो वी नीड टू डू एनीथिंग, मतलब हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी ही रहती है वहाँ पे। तो आज फिलहाल तो कैलाश को एंटरटेन करने के लिए हम आई गए हैं सेट पर। सो लेट्स गो इनसाइड हिज रूम राइट नाउ। तो हम पहुंच चुके हैं अपने सेट पर, तो लेके चलते हैं आपको अपने सेट पर और काफी कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है दिखाते हैं आपको साथ में। तो ये है हमारा सेट और जिस पे आप आ चुके हैं लाइव। हम जा रहे हैं रूम में, होगा मेकअप नीचे देख के। नीचे देख के, क्योंकि यहाँ अंधेरा कायम है। मतलब ये तुम एकदम टाइम के पहले आ जाते हो कैलाश हमेशा। हाँ, टाइम पे रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पंक्चुअल रहो, टाइम पर आ जाओ। वैसे तो शिफ्ट थोड़ा सा लेट होती है, 10 बजे की शिफ्ट है वैसे, और हम 3 घंटे पहले आते हैं मेकओवर के लिए, क्योंकि अगर हम 10 बजे आएंगे तो फिर 3 घंटे मेकअप के लिए ही इन्वेस्ट होगा, तो 1 बजे रोल होगा एंड ऑल, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। तो हम 3 घंटे पहले आते हैं एवरीडे, 7 बजे आते हैं, 3 घंटे मेकअप चलता है हमारा, फिर सब आते हैं। ओह माय गॉड, मतलब इट टेक्स अ पेशेंस नो डाउट। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सेट पे पहुंच गए, अंधेरा कायम है और सिर्फ आर्टिस्ट आए हैं और उनके मेकअप आर्टिस्ट आए हैं। सो लेट्स गो इनसाइड स्लोली। तो ये है मेरा सिंपल सा मेकअप रूम और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर ही बहुत ज़्यादा तामझाम होता है। वैसे तो हमारे 2 लुक्स हैं,
एक वीनस पर जब हम जाते हैं तो एक अलग लुक आता है, और पृथ्वी लोक पर आते हैं तो कुछ अलग सा अंदाज आता है। तो दिखाता हूँ मैं अपने अलग अलग अंदाज, दो नए रूप। पहला तो ये है कि हमारा पूरा बॉडी फिटेड अटायर है या आउटफिट है जब हम वीनस पे जाते हैं, ब्लू कलर, बिकॉज हम एलियन हैं, एलियन विचल, तो इसलिए ब्लू कलर का है कॉस्ट्यूम। एंड यही नहीं है, नीचे पैंट्स भी हैं, उसके बाद हमारे ब्लू कलर के स्टॉकिंग्स हैं, उसके बाद आज जो वैसे यहाँ पे शूज भी हैं, बड़े बड़े बूट्स, बूट्स जो हम वीनस में पहनते हैं। और क्या है ये, हमारे हैंड आर्मर्स, हैंड आर्मर्स हैं ये। तो ये है मेरा वीनस का लुक, पर आज हम पृथ्वी लोक पर हैं तो आज मेरा कॉस्ट्यूम ब्लैक कुछ कैजुअल वाला है, और हुडेड है, हुडीज है यहाँ पर जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो बस कुछ ही देर में मैं चेंज करके अपने नए अवतार में आपको दिखूंगा। तो पहले मैं चेंज करूंगा और उसके बाद होगा मेरा प्रोस्थेटिक गेटअप। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको। तो मेरा चेंज हो चुका है आउटफिट का, और अब मैं यहाँ पे प्रोस्थेटिक गेटअप के लिए बैठा हूँ। तो ये पहला प्रोसेस है जो हेयर, जैसे हम प्रोस्थेटिक गेटअप करते हैं तो हेयर जो स्वेट रिलीज होता है हमारी बॉडी से वो अंदर ही रहता है, तो वो सॉल्ट जनरेट करता है, तो हमारे बाल डैमेज ना हो इस वजह से मैं ऑयल पुट करता हूँ। अब हमारे इस गेटअप के पीछे जो हैं वो हैं यहाँ पर सुजीत दादा। डेढ़ घंटा।
तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मैं कैलाश से विचल में कन्वर्ट हो चुका हूँ। तो मिल पाता हूँ आपको हमारे शो की हीरोइन यानी कि ज़ारा से। तो ये है हमारे शो की हीरोइन यानी कि ज़ारा। हाय शाहरुख़ानी। हेलो विचल जी, हमारे पृथ्वी लोक पे आपका स्वागत है। और आप यहाँ पे सबको डरा क्यों रहे हो? नहीं, डराना तो 5 महीने पहले डराता था मैं, अब तो सब जान गए, पहचान गए कि विचल है। I think it's very daring. मतलब it requires a lot of courage. क्योंकि आपको पता है कि ये होने वाला है आपके साथ और काफ़ी लोग आपको ऐसे ही नहीं पहचानेंगे, फिर भी I think what he does ना, he has a signature style and even in the frame when I see him पीछे या कभी भी he has this अलग style. तो लोग पहचानने लगते, फिर लोग जानने की कोशिश करते कि अरे ये कौन है, अरे ये कौन है। तो आई थिंक वो एक असली जीत है। आई थिंक दैट्स अ विनिंग मोमेंट कि लोग जब आपको आपके काम से पहचानते हैं, ना ही सिर्फ चेहरे से। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर आई थिंक बहुत ज़्यादा और बेटर वे में चैलेंजिंग है। व्हाट डू यू से? एग्जैक्टली, बहुत चैलेंजिंग है और डे बाय डे मैं भी उस चीज़ को इम्प्रूव करने में चाह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा क्राफ्ट पे वर्क करूँ अपने इस कैरेक्टर के लिए। एंड थैंक यू सो मच। हाँ, एंड शी इज़ रियली वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल। तो मैं हूँ। हाँ, जस्ट मेरे को सिखाओ। हाँ सिखाओ। ये नया शो है हीरो, जिसमें हीरोइन है हमारी ये शाहरुख खानी और विलन आपके सामने है विचल, जो एलियन है। सो किस तरह के शो में आजकल स्टोरी चल रही है, कैसे ये पृथ्वीवासी एंड पाताल लोक एंड व्हाट इज दिस? अभी फिलहाल इस टाइम पे हमारे एलियंस है जो, वो एक्चुअली अब आ गए सामने कि चलो अब तो जो भी, अब छुप के नहीं रहना है। एंड पीपल आर लाइक लिटरली शॉक, सब लोग पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करें। ज़ारा हैज़ इनकाउंटर्ड एलियंस, अभी लोगों के सामने भी आ रहा है, दूसरे लोगों के सामने आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो फाइनली इन लोगों ने अपना कब्जा जमाने का मतलब फुल प्लान ऑन कर दिया है ना। एंड वी विल विन। ओह माय गॉड, लेट्स सी। यस, और हो सकता है कि हम शायद मुझे उठा के ले जाओ, या हो सकता है कि आप हमें यहाँ पे कैद कर लो। इतनी प्यारी हीरोइन होगी तो फिर दूर दूर से एलियंस भी आके उठा के लेके जाएंगे ना। फिर एक दिन देखूंगी सब, फिर वापस छोड़ देना। सो ये तो मिले हम हीरोइन से, लेकिन थोड़ी देर में हीरो से भी मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो अब हम अपने शो की हीरोइन से तो मिल लिए यानी कि ज़ारा से, अब मिलेंगे हमारे शो के हीरो से यानी कि हीरो गायब, जिनका मूड हमेशा ऑन रहता है। तो आओ अभिषेक निगम एज अ वीर हीरो। पहली बार हो रहा है कि एलियन से इतने प्यार से मिल रहा हूँ। अरे ये अपना जो है मतलब कोशिश की गई है शो में कि हम माइथोलॉजिकल चीज़ों को थोड़ा साइंटिफिकली
यू नो रिलेट करके एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सके और प्रेजेंट कर सके जहाँ पे थोड़ा वो एक्सेप्टेबल हो जाए चीज़ें. और ये जो एलियंस हैं हमारे, ये शुक्र ग्रह से आ रहे हैं और इनके जो गुरु हैं वो शुक्र गुरु हैं, और ये सारे असुर हैं जो बाय द टाइम जैसे हम इवॉल्व हुए हैं ये भी इवॉल्व होके एलियंस में बदल गए. एंड यू नो एलियंस जो बाहर के देश से बाहर की दुनिया से आते हैं उन्हें एलियंस कहते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एलियंस. एंड ये बहुत खतरनाक हैं, इनके अंदर बहुत पावर्स है, एप्स है, बॉडी है, ये हीरो तुम्हारा इंडियन हीरो है भाई हम. और मतलब ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से यू नो हम पूरा क्रिएट किया गया है ये लुक पूरा, जो यू नो ऑल दिस मेकअप पूरा प्रोस्थेटिक और ये जो नुकीली नुकीली हेयर स्टाइल दी गई है तो ये सब बहुत ही कूल लग रहा है और बहुत अच्छा लगता है. सेट पे भी बहुत मज़ा आता है. और अभी हम लोगों का ऐसे फाइट सीक्वेंस वगैरह चल रहा है, और अभी मतलब रिसेंटली मुझे मेरा केप मिला है, और यू नो अभी आगे और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है शो में, तो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू यू नो हैव. एक्चुअली मतलब इतना जो है, आई थिंक एज एन एक्टर ऑल्सो दिस इज़ समथिंग वेरी चैलेंजिंग फॉर एन एक्टर. सो आई थिंक एक एक्टर जो भी मतलब बहुत ही डेडिकेटेड होता है, ही जस्ट लव्स टू टेक चैलेंजेस, एंड आई थिंक कैलाश भाई इज़ वन ऑफ देम एंड ही इज़ टेकिंग इट सो वेल. बिकॉज मैंने मेरी फिल्म में मैंने ऐसे बॉल्ड लुक के लिए एक बार पैच शूट के लिए ऐसे बॉल्ड वो किया था, तो तो मतलब पसीना ऐसे भर गया था जैसे ही मैंने वो बॉल्ड कैप रिमूव की, तो पूरा ऐसे झरने की तरह पानी बहा. और आई थिंक कि ये जो कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम लोग सेट पे कहते भी हैं कि मतलब एलियंस का जो लुक इतना टफ है टू कैरी, और मतलब ये पूरा प्रोस्थेटिक है और अंदर ऐसे पानी वानी भर जाता है, और ये लोग मतलब पूरा दिन इसे कैरी करके रखते हैं, देन परफॉर्मिंग एक्शन एंड एवरीथिंग. सो ऑफकोर्स हैट्स ऑफ टू देम. हाँ मैम ऑफकोर्स मैंने एक्चुअली इतना बिल्डअप मैंने बताया तो मतलब इतना बिल्डअप इसीलिए दिया था कि एज एन एक्टर ऑफ कोर्स आई वुड लव टू टेक चैलेंजेस एंड आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दिस, बट ऑफ कोर्स यस थोड़ा मैं आप हाँ समझो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ऑफ कोर्स आप कैलाश भाई की मेहनत देखो. हमारा क्या है, हम थोड़ी ना मेकअप लगा के घूमते हैं ना. बट ऑफ कोर्स बट प्लीज़ आप देखते रहिए हमारे शो को, ढेर सारा प्यार दीजिए. और यहाँ पे बहुत सारी मेहनत चल रही है, यू नो द प्रोडक्शन टीम, द डायरेक्शन टीम, द आर्टिस्ट टीम एंड एवरीबॉडी इज डूइंग सो मच ऑन सेट. और मतलब मैं देखा हूँ कि जैसे हम जब नॉर्मल शो शूट करते हैं तो वो मतलब हम एक दिन में जितनी फुटेज निकालते हैं, यहाँ पे क्या होता है इनविजिबिलिटी, एलियंस, एक्शन, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन. और ये सब तभी हमारे लिए यू नो काम आएगा जब हमें आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा, आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी. सो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग हीरो गायब मोड ऑन ओनली ऑन सोनी स्टार 8 बजे से मंडे टू फ्राइडे. ऑफकोर्स सोनी लिफ्ट पे भी देख सकते हैं एवरीडे महाएपिसोड 1 आवर स्पेशल. थैंक यू सो मच. तो हम यहाँ पे पूरी कास्ट से मिलिए हीरो की, एंड इनका शायद शॉट रेडी है. शॉट रेडी है क्या? तो जैसा आप देख रहे हैं शॉट रेडी. सो हम इन्हें यहीं छोड़ते हैं. एंड लास्टली कैलाश से जानना चाहते हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम? मेरा एक्सपीरियंस दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ज़ारा इज लाइक शी इज़ वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल. लाइक हम जब किसी नई कास्ट के साथ काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार कैसा रहेगा एटमॉस्फेयर, कम्फर्टनेस रहेगी, क्या रहेगा. एंड अभिषेक ही इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, लाइक अच्छे से ट्रीट कर दें. और कास्ट जो है वो जलप हो चुकी है, और किरदार जो है वो भी आप देख रहे हैं टीवी पे. और कैसे कैलाश बनते हैं विचल, ये आज आप देखें सास बहू और बेटिया में. सो सास बहू और बेटिया में आपने देखा कि कैसे एलियन बनते हैं इंसान, यानी कि कैसे होता है उनका प्रोस्थेटिक मेकअप. सो हमारे साथ विचल हैं जो कि कैलाश तोपनानी, और उन्होंने पूरा अपना दिखाया कि कैसे वो इस लुक में आते हैं. और उसी तरह सेम आते हैं लुक में उज्जवल भी, जो कि हैं अचल. सो अचल और विचल हैं यहाँ साथ साथ, जो कि मचाने वाले हैं पृथ्वी लोक पे धमाल. लेकिन फिलहाल हम उनके स्पेसशिप में हैं, तो टेक अ लुक.
तो इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा. थैंक यू सो मच कैलाश फॉर कनेक्टिंग अस. आई होप आपको मजा आया होगा. मुझे बहुत मजा आया सास बहू बेटियों पर, और बहुत ही आगे भी इंजॉय करेंगे आप हीरो गायब मोडॉन में. बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस, बहुत सारा थ्रिलर आने वाला है, तो प्लीज़ देखते रहिए हीरो गायब मोडॉन ओनली ऑन साफ टीवी मंडे टू फ्राइडे, और एक घंटे का वन आवर स्पेशल पूरा वीक ऑन संडे वीक का स्पेशल आप. और साथ ही देखते रहिए सास बहू और बेटियां भी. श्रुति परजात्या, मुंबई आज तक.